जिंदगी में कलर्स का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। रंग आपकी किस्मत को तय करते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपकी राशि के हिसाब से आपका लकी कलर कौन सा है? अगर नहीं जानते तो मैं किस लिए हूँ। मैं आपको राशि के हिसाब से आपका लकी कलर बताने वाली हूँ, साथ ही लकी कलर के होने की वजह से बताऊंगी कि कैसे आप इसका फायदा उठा सकते हैं। लेकिन इससे पहले चलिए आज की पहली प्रॉब्लम और उसका सलूशन। अगर घर में पैसे की तंगी बनी रहती है तो मैं आपको बताती हूँ बहुत ही सिंपल सा उपाय क्या करना है आपको। लेकिन अगर घर में पैसा आता है और टिकता नहीं या गलत चीज़ों पे खर्च होता है तो भी आपको बताती हूँ क्या करना है। अगर घर में आपके पास ठीक से पैसा आता है और टिकता नहीं है तो आप घर में एक क्रिस्टल का या एक कांच का या मेटल का ही सही, आप एक लोटस कमल का फूल रखिए। ये कमल के फूल पर डेली धूप या अगरबत्ती, ताकि नेगेटिविटी ना आए, करने से आपका पैसा सही जगह खर्च होता है। और अगर आपके घर पैसे की तंगी रहती है तो एक छोटा सा उपाय और करिए। नॉर्थ डायरेक्शन में डेली आप अगर भगवान की पूजा करते हैं या कुबेर देव का चित्र लगाते हैं तो पैसे की तंगी गायब हो जाती है। अगर आपकी हाइट नहीं बढ़ रही है तो कोई गलत दवाई ना खाएं, योग का सहारा लीजिए। मैं आपको आज दो योग के आसन के बारे में बताऊंगी जिन्हें करने से हाइट बढ़ती है। बच्चों को जरूर कराएं, लेकिन इससे पहले आपके पीरियड के दर्द को कम करने वाला घरेलू सूप, वो घरेलू नुस्खा वो बताती हूँ। पीरियड के दर्द को दूर करेगी अदरक। अदरक का यूसेज आपके दर्द को दूर करेगा। 30 ग्राम अदरक को एक ग्लास पानी में बॉईल कीजिए। जब पानी आधा रह जाए तो इसे छान लीजिए। इस छने हुए पानी को दिन में दो बार पीजिए। आप पीरियड्स के शुरू होने के 15 दिन पहले इसे शुरू कर सकते हैं। इसे 2 महीने तक अपनाएं, आपको पूरी तरह से फायदा मिलेगा। और पीरियड्स के दौरान चाय में भी अगर आप कुछ अदरक को डालकर उसको बॉईल कर पीते हैं तो इससे भी आपको बहुत फायदा होगा। इसके अलावा आप पीरियड्स के डेज में रात के समय अगर अदरक का सेवन करते हैं तो आपको ज़्यादा आराम मिलेगा। आप अदरक सौंठ का सूप बनाकर भी पी सकते हैं। इस दौरान आपको दर्द कम होगा, आप रिलैक्स फील करेंगे, इससे आपको इंस्टेंटली आराम मिलेगा और क्रैम्प्स भी कम पड़ेंगे। आप एक काम और कर सकते हैं कि अदरक के टुकड़े, सौंठ और गुड़ को गर्म करके उसका एक पेस्ट सा बनाएं। अब जब ये हल्का ठंडा हो जाए तो इसको लीजिए, इससे भी आपका दर्द दूर हो जाएगा।